रेज हम देखने जा रहे हैं। काफ मसल इसे बोलते हैं मित्रों, यह काफ है, इसे एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोअर बॉडी के लिए कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम अपर बॉडी को भी शामिल कर रहे हैं, तो हमारे इंटायर बॉडी शामिल हो रहे हैं। तो आइए हमारे साथ कीजिए फॉरवर्ड काफ रेज। इसके लिए हम यहाँ जो हम तड़ासन में करते हैं ऐसे रेज कर लिए। आप दोनों पैर के पोजिशन को देखिए, यहाँ आप क्लोज रखिए एक इंच या मैक्सिमम दो इंच के गैप में, और यहाँ इस तरह से ऐसे काफ को रेज कीजिए, और फिर डाउन होते हुए नीचे ये, और ये काफ को रेज कीजिए। आप कोशिश कीजिए वहां कुछ देर बने रहने के लिए, 5 to 6 ब्रीथ लीजिए यहाँ काफ रेज पोजीशन में, और यहाँ डाउन, यहाँ हाथ को भी ऊपर ले जाइए जिससे आपके आर्म के अपर आर्म के भी एक्सरसाइज हो जाएंगे। कुछ देर तक बने रहिए और फिर ये काफ रेज। हमारे पैर में दर्द हो जाते हैं कभी कभी, अकड़न जकड़न हो जाते हैं, हम थोड़ा सा ही पैदल चलते हैं और दर्द महसूस करते हैं, तो उसके लिए यह काफ का ओपनिंग होना, मसल का फ्लेक्सिबल बनना जरूरी होता। मित्रों हमारे चलने की ताकत इन्हीं काफ से आती है, जो हमारे पैरों को फुट को ऑपरेट कराती है, यही मसल है, मसल समूह है। इन्हें हम इस तरह से यहां और ये स्टार्टिंग और ये फाइनल, इस तरह से आप कीजिए।